हेलो एंड वेलकम ऑल। इस लेक्चर में हम सब इम्परेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। आप जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंस डिफरेंट तरह के होते हैं। ऑर्डर कमांड वाला होता है, इम्परेटिव सेंटेंस एडवाइस वाला होता है, रिक्वेस्ट वाला होता है। कुछ इम्परेटिव सेंटेंसेस होता है जो इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू होता है, और कुछ इम्परेटिव सेंटेंसेस होता है जो LET लेट वर्ड से शुरू होता है। तो इस तरह से हम पूरे पांच तरह का इम्परेटिव सेंटेंसेस जो यहाँ पे लिखा है इन सब का सीख लेंगे पैसिव वॉइस बनाना। ऑर्डर वाला, एडवाइस वाला, रिक्वेस्ट वाला, इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू होने वाला से इम्परेटिव सेंटेंस का, और लेट से शुरू होने का। मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको सभी पॉइंट समझ में आए। जरा देखिए, ओपन द विंडो, यह जो सेंटेंस है यह ऑर्डर वाला है। हेल्प योर रिलेटिव्स, यह सेंटेंस है एडवाइस वाला है। टेक योर सीट प्लीज, प्लीज है तो यह रिक्वेस्ट वाला है। और स्टैंड अप, यह इंट्रांजिटिव वर्ब वाला है। लेट्स डांस एंड लेट हिम कंप्लीट द वर्क, लेट वाला दो है, इसमें एक होता है एक ऑब्जेक्ट का और दूसरा लेट का होता है डबल ऑब्जेक्ट का। तो इन दोनों को भी सीखेंगे। इस तरह से इम्परेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस जितना होता है उतना का पैसिव वॉइस बनाना सीख जाएंगे बिल्कुल ठीक से। आप ध्यान दीजिए, मैं भी पूरा कोशिश करता हूँ। पहला इम्परेटिव सेंटेंस जो ऑर्डर या कमांड, ऑर्डर और कमांड में कोई अंतर नहीं है, आदेश दोनों का मतलब होता है, तो आदेश वाला होगा जहां पे आदेश दिया जाता है। जैसे डू दैट वर्क, उस काम को करो, आदेश है। स्विच ऑन द फैन, पंखा चालू करो, ऑर्डर है। तो ऐसे ऑर्डर वाले सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, साथ में कुछ और भी ऑर्डर वाले सेंटेंसेस होंगे, इनका भी बनाकर हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो पहले ऑर्डर वाले बनाने का रूल होता है कि एक्टिव वॉइस है डू दैट वर्क। पैसिव वॉइस बनाने के लिए लेट शब्द को आप सबसे पहले जोड़ दीजिए, तो लेट शब्द को सबसे पहले लिख दिया। लेट के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस है एक्टिव वॉइस का, यहाँ पे दैट वर्क जो ऑब्जेक्ट है, वैसे ही जो ऑब्जेक्ट है उसे वैसे ही कॉपी कर देना है लेट के बाद। तो लेट के बाद दैट वर्क है तो दैट वर्क आ जाएगा। और फिर हमें यूज करना है बी, बी का प्रयोग करेंगे, और बी के बाद V3 करना है, यह हो गया V3। तो पहला है काम लेट का प्रयोग करना, तो पहला काम कर दिया। दूसरा काम है ऑब्जेक्ट का वैसे रखना, तो ये दूसरा काम कर दिया। तीसरा काम है बी और फिर V3, तो तीसरा काम कर दिया। अगर हम इस सेंटेंस को बनाए नीचे वाले को, स्विच ऑन एक हो गया वर्ब और द फैन ऑब्जेक्ट हो गया। तो बनाना हो तो सबसे पहले रूल एक से लेट रखेंगे, रूल दो से जो ऑब्जेक्ट है उसे ही हम कॉपी कर देंगे जैसे का तैसे, अगर वह ऑर्डर वाला है तो। और फिर बी लगाएंगे, और बी लगाकर जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म स्विच ऑन का, स्विच्ड ऑन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, स्विच्ड ऑन फुल स्टॉप। लेट द फैन बी स्विच्ड ऑन। जरा एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे ब्रिंग वर्ब हो गया और अ ग्लास ऑफ वाटर ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, पहला रूल लेट लगाएंगे, लेट लगा दिया, लेट के बाद ऑब्जेक्ट को जैसे का तैसे लिखेंगे, तो अ ग्लास ऑफ वाटर लिख दिया। और उसके बाद हमें बी का प्रयोग करके V3 लिखना है, तो ब्रिंग का ब्रॉट हो जाएगा, bring brought होता है, और काम खत्म हो गया। एक और देख लेते हैं, ओपन द विंडो, तो लेट द विंडो और फिर बी डालेंगे, और ओपन का ओपनड होता है, आप जानते हैं। अब यहाँ पे डोंट वाला है, ऑर्डर वाला ही है, डोंट वाला है, तो डोंट वाला से घबराना नहीं है। और ये ऑर्डर वाला निगेटिव है, निगेटिव बनाते हैं डोंट लगा करके, तो हम इसको भी निगेटिव बना देंगे, जैसे बनता है वैसे ही बनाएंगे इसको भी। तो पहले लेट डालेंगे,
लेट के बाद ऑब्जेक्ट बर्ड्स, बर्ड्स मतलब कलियां, तो लेट्स लेट बर्ड्स। और फिर ये डोंट है मतलब नॉट है यहाँ पे, तो बी के पहले हम नॉट लगाएंगे, लेट बर्ड्स नॉट बी, क्योंकि आप जानते हैं ऑब्जेक्ट बाद बी लिखना होता है, फिर वी थ्री प्लक का प्लक्ड, तो यहाँ पे नॉट को बी के पहले लगाते हैं, निगेटिव होता है, तो लेट बर्ड्स नॉट बी प्लक्ड। एक और यहाँ पे डोंट, इसको देखते ही नहीं है, नॉट लगाना है खाली हमें, टच लाइव वायर्स, लाइव वायर्स ऑब्जेक्ट और टच हो गया वर्ब, तो लेट लाइव वायर्स बी के पहले नॉट, नॉट बी, और फिर जो वी वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म टस्ट। तो इस तरह से आपने देखा कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है ऑर्डर वाला, उसको कैसे बनाते हैं, हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, नॉट पे ध्यान रखना है कि बी के पहले नॉट डाल देते हैं। दूसरा आप सीखते हैं, दूसरा होगा एडवाइस वाला, सलाह वाला, जहां से सलाह समझ में आएगा आपको। सलाह वाला में पहले तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, कैसे सलाह वाला समझेंगे, कैसे ऑर्डर को समझेंगे। लव योर मदर को मैं वहां पर जाकर लिख रहा हूं, जहां पे एग्जाम्पल है, लिख रहा हूं लव योर मदर। देखिए आप मीनिंग जब निकालेंगे, तो अगर आपको लगता है कि जो कहा जाता है वो तुरंत करना है, इमिडिएटली करना है, तो उसको आप समझ लेंगे कि वह ऑर्डर वाला है। लेकिन क्योंकि क्या होता है, ऑर्डर वाला में और एडवाइस वाला में दोनों में वर्ब सामने होता है, जो रिक्वेस्ट वाला होता है उसमें तो आपको समझ में देखने से ही आ जाएगा, जो रिक्वेस्ट वाला होता है उसके सेंटेंस के बीच में प्लीज चाहे काइंडली होता है, तो रिक्वेस्ट वाला में डिफरेंस करने का सोचना नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पे काइंडली है, इधर प्लीज है, दोबारा इस पे आएंगे, वापस जाता हूँ। तो अब दोनों जो होता है ऑर्डर वाला और जो होता है एडवाइस वाला, आप जानते हैं एडवाइस वाला है क्योंकि मैं एडवाइस से उठा लाया हूं। हाँ? तो आपको सेंटेंस का मीनिंग निकालना है, आपको लगता है कि जो बात इसमें कही जा रही तुरंत करनी है, गिव द कमांड, आदेश दो, मतलब जिससे कह रहे हैं उसी वक्त देना पड़ेगा उसको, इमिडिएटली करना है तो ये ऑर्डर हो जाएगा। और लव योर मदर, अपनी मम्मी को प्यार करो, तो मम्मी को प्यार उस वक्त थोड़े करना है, प्यार करते रहना है, आज करेंगे कल करेंगे कल के बाद करते रहेंगे, मतलब इस तरह का जो होता है इसका जो कार्य करने को कहा जा रहा है इसको बाद में किया जा सकता है, तो इसे हम एडवाइस समझते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस में बहुत ही मुश्किल होता है ऑर्डर और एडवाइस को डिफरेंशिएट करना, और यही एक तरीका है जहां से, यही एक ट्रिक है जहां से आप आसानी से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो मैं हम तो सीख गए कि जो ऑर्डर वाला होता है लेट से बनाते हैं, अब जो एडवाइस वाला होता है कैसे बनाते हैं। तो कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, वह सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस का। जैसे देखिए यहाँ पे लव योर मदर है, तो यहाँ पे लव हो गया वर्ब और योर मदर हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का, तो योर मदर तो हो जाएगा। पहला काम, एक नंबर रूल हमने लागू कर दिया। दूसरा क्या है, शुड बी यूज करते हैं, तो शुड बी का प्रयोग कर दिया दूसरा काम, और फिर है वी थ्री का प्रयोग करते हैं, और फिर तीसरा काम वी थ्री कर दिया। तो क्या करना है हमें, हमें करना है जो पहचान लीजिए, पहले ये ऑब्जेक्ट हो गया और इधर वर्ब है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखिए, तो द चिल्ड्रेन ही यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको शुड बी लिखना है, शुड बी, और फिर जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का आप जानते हैं, हेल्प्ड। एक दो और प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ओबे योर टीचर्स, तो क्या होगा, योर टीचर्स है ऑब्जेक्ट और ओबे है वर्ब, तो योर टीचर्स सबसे पहले आ जाएगा, योर टीचर्स, और फिर शुड बी का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे, शुड बी, और ओबे का थर्ड फॉर्म ओबेड कर दिया। निगेटिव वाला जो होता है कैसे करते हैं, तो यहाँ पे पहले क्या करिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, द पुअर,
और फिर शुड बी, तो नॉट डालना है तो शुड के बाद नॉट डाल दीजिए, शुड शुड नॉट बी, और फिर इंसल्ट का इंसल्टेड वी थ्री इंसल्टेड। तो आपने देखा क्या कि हम कैसे बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, फिर शुड भी डालते हैं और फिर वी थ्री डालते हैं। अगर निगेटिव वाला होता है तो शुड के बाद नॉट डाल के फिर बी लिखते हैं, शुड नॉट बी लिखना पड़ता है हमें, शुड बी की जगह पे निगेटिव में शुड नॉट बी लिखना पड़ता है, ध्यान रखेंगे आप, बाकी का छोड़ देते हैं अभी। तीसरा, हमने ऑर्डर वाला पढ़ लिया, ऑर्डर वाला को लेट से बनाते हैं। हमने एडवाइस वाला पढ़ लिया, एडवाइस वाला में क्या करते हैं, शुड बी जोड़ते हैं, शुड बी। लेकिन अभी क्या है रिक्वेस्ट वाला, रिक्वेस्ट में क्या होगा, सेंटेंस में प्लीज होगा चाहे काइंडली होगा, दोनों का मतलब कृपया होता है, तो सेंटेंस में रहेगा ही रहेगा। देखिए काइंडली है, इधर प्लीज है, और भी कुछ लिखा हुआ है आगे स्लाइड में, देखिए प्लीज है, प्लीज है, काइंडली है, प्लीज है, तो आराम से पहचान सकेंगे आप कि रिक्वेस्ट वाला कौन सा है। तो अब रिक्वेस्ट वाला होता है तो कैसे बनाते हैं, तो आप सबसे शुरू में लिख देंगे, पहला काम करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना लिख देंगे, क्या सेंटेंस है उसे कोई मतलब नहीं है, आपको पहले लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, लिख दिया, पहला काम कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, जितना है सेंटेंस ये एक्टिव वॉइस का, उसको आप यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद लिख देंगे, खाली क्या करना है, काइंडली या प्लीज जो होता है उसे छोड़ देना है, उसको जहां है वहीं छोड़ देंगे, और जितना बचा है उसको छोड़कर उतना को लिखेंगे। तो काइंडली छोड़ेंगे तो पोस्ट द एप्लीकेशन होगा, तो यहाँ पे पोस्ट द एप्लीकेशन लिखा हुआ है, दूसरा काम यही है। अगर हम दूसरे सेंटेंस को बनाते हैं तो सबसे पहले हम लिख देंगे, यही लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना काम तो कर दिया, अभी प्लीज लास्ट में है इसको छोड़ देंगे, जितना बचा है इसके पहले है उतना को हम डाल देंगे, और फिर टेक, वैसे ही कुछ बदलाव नहीं करना है, टेक योर सीट। एक दो और प्रैक्टिस करते हैं, क्या किया हमने, सबसे शुरू में लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज को हटा देना है, जो बचा वैसे ही उसी सीक्वेंस में यहां आकर चिपक जाएगा, वेट आउट साइड, ऐसे ही बाकी सब भी आसान है, बना सकते हैं आराम से। अभी चलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू होने वाले इंपरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अभी जितना आपने देखा था ना ये सब, इसमें ये तो रिक्वेस्ट वाला था ही, चिंता नहीं थी हमें, लेकिन अभी स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, यहाँ यहाँ न सब्जेक्ट है न ऑब्जेक्ट है, ये सीधा ऐसे ही स्टैंड अप, इंट्रांजिटिव वर्ब है स्टैंड अप, और वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, और यहाँ पे क्या है वर्क है और हार्ड है, हाँ तो यह भी क्या है, ऐसे वर्क तो ट्रांजिटिव वर्ब भी होता है, लेकिन यहाँ पे यह यह हार्ड क्या है, एक एडवर्ब है, तो इसलिए इसको भी बनाएंगे उसी रूल से जो इंट्रांजिटिव वर्ब वाला है। फिर गो देयर, कम, ये सब भी देखिए क्या करते हैं, जो भी होता है इंट्रांजिटिव वर्ब्स का ध्यान से देख लीजिए, इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू होने वाला इस तरह का सेंटेंस, तो आप क्या करेंगे, आप पर देखेंगे कि वह सेंटेंस ऑर्डर वाला है कि एडवाइस वाला है, तो पहचान का तरीका तो देख लिया हमने, अगर तुरंत करना है तो ऑर्डर वाला, स्टैंड अप मतलब अभी खड़ा होना होगा, तो ये ऑर्डर वाला है। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, तो कठिन परिश्रम को अभी थोड़ी करेंगे, करते रहेंगे आगे, तो ये क्या है, बाद में भी कर सकते हैं, तो ये एडवाइस वाला है। गो देयर, वहां जाओ, तो ये क्या है, ऑर्डर वाला है। कम, आओ, तो क्या होगा, ऑर्डर वाला, उसी वक्त आना पड़ेगा, तो जो कार्य उसी वक्त करना होता है ऑर्डर वाला, जो काम बाद में करना पड़ता है उसे एडवाइस वाला मानते हैं। तो ऑर्डर वाला रहेगा तो आपको लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या करेंगे यहां पे स्टैंड अप, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर जो रहेगा ना यहां पे उसको पूरा का पूरा, कुछ भी नहीं काटेंगे, पूरा का पूरा लिख डालेंगे। तो पहला काम कर दे यू आर रिक्वेस्टेड टू, दूसरा काम कंप्लीट एक्टिव वॉइस को हम यहां पे कॉपी कर देंगे। देखिए जरा
गो देयर ऑर्डर वाला है तो क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, टू तक रहेंगे और फिर लिखेंगे बाद में गो देयर। फिर कम तो फिर क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड नहीं ऑर्डर टू, फिर यू आर ऑर्डर टू, टू तक कम, यू आर ऑर्डर टू कम। लेकिन जैसे ही एडवाइस वाला रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा यू आर एडवाइस टू, यू आर एडवाइस्ड टू और फिर इसको भी छाप देंगे वर्क हार्ड। कहीं कहीं आपको मिलेगा, आपको समझना चाहिए कि एडवाइस का सिनोनिम होता है सजेस्ट। तो अगर आप एडवाइस्ड करते हैं थर्ड फॉर्म तो सजेस्ट का भी थर्ड फॉर्म सजेस्टेड होता है। तो कहीं कहीं एडवाइस जब सजेस्टेड लिखा अगर मिले चाहे आप लिख दें तो बिल्कुल सही है। तो यू आर एडवाइस टू लिखिए चाहे यू आर सजेस्टेड टू लिखिए, कुछ भी लिखिए दोनों करेक्ट रहेगा। तो इस तरह से इंट्रांजिटिव वर्ब्स जितना होता है उसका हम बनाते हैं पैसिव वॉइस। अब आगे बढ़ते हुए अब लेट का, लेट में बताया आपको दो तरह का होगा, एक होगा टू ऑब्जेक्ट्स का और एक होगा वन ऑब्जेक्ट का। पहले टू ऑब्जेक्ट्स का देख लेते हैं कैसे बनता है। कह रहा है कि फर्स्टली लेट इज रिटेन, टू ऑब्जेक्ट का है, देखिए यहाँ पे लेट लिखा है शुरू में, लेट वाला है ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट हिम और दूसरा ऑब्जेक्ट द वर्क, वन टू, ओ वन ओ टू मान लिया। कह रहा है फर्स्टली लेट इज रिटेन, तो लेट लिख दिया पहला काम कर दिया। देन सेकेंड ऑब्जेक्ट इज रिटेन, जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसे लिख देते हैं, तो लिख दिया द वर्क को। फिर कह रहा बी इज रिटेन, बी लिख दिया, पहला काम कर दिया लेट लिखने का, दूसरा काम सेकेंड ऑब्जेक्ट लिखने का, तीसरा काम बी लिखने का, चौथा वी थ्री रिटेन, वी थ्री कर दीजिए कंप्लीट है यहाँ पे वर्ब तो कंप्लीटेड होगा कर दिया। फिर बाई और फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, बाई और फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है हिम, जैसे है वैसे ही, तो ये पांचवा काम कर दिया बाई के साथ फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो बनाते हैं जरा इसको, क्या होगा लेट है तो लेट यहाँ भी आएगा और क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेकेंड ऑब्जेक्ट को लिखेंगे लेट द मैटर, एक ही टी रहता है, दो ही टी रहता है, मैटर बी, डिस्कस है तो इसका थर्ड फॉर्म डिस्कस्ड, फिर बाई और फिर क्या होगा अस, यहाँ पे क्या होगा लेट्स, लेट अस स्टार्ट द गेम, अस है और द गेम है, तो लेट पहले आएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट बाद इसके बाद आएगा, तो लेट द गेम, फिर बी के साथ वी थ्री आता है, बी लिख दिया और वी थ्री स्टार्ट का स्टार्टेड, और फिर बाई के साथ पहला ऑब्जेक्ट आता है तो अस है पहला ऑब्जेक्ट तो अस हो गया। तो इस तरह से लेट वाला सेंटेंस जिसमें दो ऑब्जेक्ट होता है तो ऐसे बनाते हैं पैसिव वॉइस, होप आप समझ गए होंगे। अब सिंगल ऑब्जेक्ट होगा वो कैसे बनाएंगे, देखिए लेट से सेंटेंस शुरू हुआ है, यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है फिर वर्ब आ गया है, कैसे बनाते हैं, तो आपको सबसे पहले लिखना होता है इट इज सजेस्टेड दैट, अच्छा इट इज एडवाइज्ड दैट। आप जानते हैं सजेस्टेड और एडवाइज सिनोनिम से एक दूसरे का, तो आप कुछ भी लिख दीजिए आपकी मर्जी, कुछ भी लिखेंगे आप, इट इज सजेस्टेड दैट चाहे इट इज एडवाइज्ड दैट, लिख दिया हमने इट इज सजेस्टेड दैट। फिर कह रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखते हैं नॉमिनेटिव केस में, मतलब कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे अस है, लेट के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आता है तभी तो अस लिखा ना ऑब्जेक्टिव केस में, तो इसको सब्जेक्ट बनाते हैं तो अस का वी होता है, इट इज सजेस्टेड दैट वी। फिर कहता है कि शुड लिखो, तो शुड लिख दिया, शुड के बाद वी वन का प्रयोग करना है तो डांस का, तो डांस ही हो जाएगा, क्या बनेगा इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस। दूसरा बनाते हैं लेट देम प्रोसीड, तो क्या करेंगे हम पहले लिखेंगे इट इज सजेस्टेड दैट, देम है तो देम का नॉमिनेटिव केस बनाना पड़ेगा, नॉमिनेटिव केस तो दे, दे, दे के बाद शुड, शुड और फिर प्रोसीड का मतलब जैसे है फर्स्ट फॉर्म में ही आगे बढ़ना होता है प्रोसीड, तो इट इज सजेस्टेड दैट दे शुड प्रोसीड। तो इस तरह से हमने
क्या क्या पढ़ा एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं इसका और फिर बंद कर लेते हैं। हमने पढ़ा इम्परेटिव सेंटेंसेस का कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस। तो आपने पहले पढ़ा कि ऑर्डर वाला इम्परेटिव सेंटेंस होगा तो कैसे बनेगा, एडवाइस वाला होगा तो कैसे बनेगा, रिक्वेस्ट वाला होगा तो कैसे बनेगा। फिर पढ़ा कि इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू होगा तो उसे कैसे बनाएंगे, और लेट से शुरू होगा इम्परेटिव सेंटेंस तो उसे कैसे बनाएंगे। इसमें आपने पहले पढ़ा कमांड वाला में कि सबसे पहले आप लेट लगाते हैं, लेट के बाद आप ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं, और फिर उसके बाद बी लगा करके वी थ्री का प्रयोग करते हैं, जैसे कि डू दैट वर्क तो लेट दैट वर्क बी डन। इसके बाद आपने पढ़ा एडवाइस वाला में कि एडवाइस वाला में क्या करते हैं, सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। योर मदर है तो योर मदर को सब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद शुड बी का प्रयोग करेंगे, शुड बी का प्रयोग कर दिया, और शुड बी के बाद वी थ्री का प्रयोग करेंगे जो वर्ब दिया रहेगा एक्टिव वॉइस में थ्री का, लव योर मदर बन जाता है योर मदर शुड बी लव्ड। इसके बाद हमने रिक्वेस्ट का देखा, रिक्वेस्ट में क्या देखा कि प्लीज या काइंडली जरूर होगा, तो बनाने में आपको जोड़ना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, ऐसे ही जोड़ देना है पूरा ये वाक्य खंड यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर जो भी सेंटेंस है उसको यू आर रिक्वेस्टेड के बाद जोड़ देना है केवल प्लीज काइंडली वर्ड को हटाकर। तो काइंडली पोस्ट द एप्लीकेशन इसका होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द एप्लीकेशन। फिर आपने लेट का पढ़ा, लेट में दो तरह का, एक आया डबल ऑब्जेक्ट का और एक आया सिंगल ऑब्जेक्ट का। डबल ऑब्जेक्ट में क्या किया, जैसे लेट हिम कंप्लीट दैट वर्क, तो यहाँ पे हिम फर्स्ट ऑब्जेक्ट और द वर्क सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो आपने लेट शुरू हुआ है तो आप भी शुरू में लेट डाल देंगे, सेकेंड ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, सेकेंड ऑब्जेक्ट लिखने के बाद बी का प्रयोग करेंगे, फिर वी थ्री का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद बाई के साथ फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। तो लेट हिम कंप्लीट द वर्क बन जाएगा लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम। इसके बाद सिंगल ऑब्जेक्ट में आपने देखा सिंगल ऑब्जेक्ट वाला होगा तो आप उसके लिए इट इज सजेस्टेड दैट, चाहे इट इज एडवाइस दैट वाक्य खंड को रखेंगे शुरू में ही इट इज सजेस्टेड दैट, और फिर आप जो ऑब्जेक्ट प्रयोग हुआ है एक्टिव वॉइस में उसे सब्जेक्ट बना देंगे वी कर देंगे, फिर शुड लगाएंगे, और फिर जो वर्ब है वर्ब का प्रयोग कर देंगे वॉइस, जैसे का तैसे वी वन होता है तो वी वन का ही प्रयोग करना है। लेट अस डांस बनेगा इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस। तो इतना ही है इस इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाने में, इतना ही करना होता है, ध्यान रखेंगे आप। थैंक यू वेरी मच।